आज मैं आपको उन बच्चों की कुछ कहानियां सुनाने जा रही हूँ जो कभी बहुत बुरी परिस्थितियों में रहा करते थे लेकिन अब सुरक्षित हैं। ये भारत के किस्से हैं लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। कृपया ध्यान से सुनिए, शायद आप ही इससे कुछ सीख सकें। ये अजय है जो झारखंड से है। ये यहाँ बच्चों के केंद्र में रहता है। ये उन बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह है जिन्हें बाल मजदूरी और दूसरी खतरनाक स्थितियों से बचाया गया है। नमस्ते, आप कैसे हैं? अजय सिर्फ 7 साल का था जब उसे बजरी खदान में काम करने के लिए भेजा गया था। मैं अपने गांव के एक व्यक्ति के साथ गया था जिसने मुझे बताया कि ये मेरे परिवार के लिए पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका होगा। मुझे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास भेजा गया। हम घर से बहुत दूर आ गए और अपने माता पिता से संपर्क नहीं कर सकते थे। अजय डरा हुआ, थका और भूखा था। वो अंधेरे में तेज औजार और एक भारी ट्रॉली के साथ काम किया करता था। कभी कभी उसके हाथ कट जाते थे और वो मुश्किल से ही सो पाता था। अजय फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अपने परिवार की बहुत कमी महसूस हो रही थी पर वो समझ नहीं पा रहा था कि उनके पास वो कैसे वापस जाए। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। धड़ाम धड़ाम, एकदम से हंगामा मच गया था। बहुत से अनजाने लोग, कभी नहीं देखा था, वो कमरों की ओर भागे जहाँ पे हम सब लोग सो रहे थे। मैं उन्हें देखकर बहुत डर गया और मुझे लगा कि हम लोग की गिरफ्तारी होने वाली है, मैं भी गिरफ्तार हो जाऊंगा। खदान मालिक चिल्ला रहे थे, उन्हें चले जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन ये नए लोग दयालु थे। उन्होंने अजय को समझाया कि वो सुरक्षित है, कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और उसे बचाया जा रहा है। अगर उसने चाहा तो वो उसे अपने परिवार के पास वापस जाने में भी मदद कर सकते थे। अजय उन लोगों के साथ बच्चों के सुरक्षा केंद्र गया। ये जगह अजीब लग रही थी लेकिन अजय ने जल्द ही नए दोस्त बना लिए। वो भी बचाए गए बच्चे थे। सुरेश पटाखे बनाया करता था। नेत्रम रेशम बनाने के लिए खौलते हुए पानी में अपने हाथों को डुबाया करता था। रूपा तेज धूप में ईंटे बनाती थी जबकि प्रिया नौकरानी का काम करती थी। ये ऐसे काम हैं जो बच्चों को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। बच्चों के केंद्र में काम करने वाले लोगों ने अजय से कई सवाल पूछे। भले ही उनका व्यवहार दोस्ताना था, मैं शुरुआत में उन पर भरोसा नहीं करता था। मुझे लगता था कि वो मुझे वापस काम पर भेज देंगे। हालांकि केंद्र के अन्य बच्चों ने अजय का स्वागत करने की पूरी कोशिश की। उम्र में बड़े बच्चों ने उसे पूछा कि वो कैसा महसूस कर रहा है। उसे कहा कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। अजय को पता चला कि केंद्र में देखभाल करने वाले कुछ लोगों को भी ऐसी स्थितियों से बचाया गया था। धीरे धीरे मुझे इस केंद्र पर भरोसा होने लगा और उस पल से मेरा जीवन सुधरने लगा। मेरी समझ में आने लगा कि मेरा भविष्य भी खुशहाल बन सकता है और मैं इसका हकदार भी हूँ। आपकी कहानी अजय की कहानी जैसी हो सकती है। आपको डर या उलझन महसूस हो सकती है लेकिन आप अब एक ऐसी जगह पर हैं जहां आप एक बच्चे की तरह जी सकते हैं। आपको बचाया गया है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आप एक सुरक्षित जगह पर हैं जहां पर लोग आपको एक बेहतर भविष्य के लिए प्रोत्साहन देते रहेंगे।